हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर की दाल। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप फ्रेश मटर लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको मैं कुकर में डाल दूंगी। 1.5 कप पानी का डाल दूंगी। एक तेज पत्ता डाल देंगे इसमें, और 2 छोटी इलायची जिसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, और ये 2-3 लौंग, आधा चम्मच नमक का डाल देंगे, बाकी बाद में डालेंगे, और 1/4 टीस्पून हल्दी का। कुकर को बंद कर देंगे, तेज आंच पर स्टीम बनने देते हैं। जब 1 सीटी आ जाएगी तो गैस कम करके हम इसको 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक मटर उबल रहे हैं तो मैं इधर कढ़ाई में इसका तड़का बना लूँगी। ये 2 चम्मच मैं देसी घी के ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 10-12 कलियाँ लहसुन की मैंने बारीक कटी हैं वो डाल दूँगी। थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। ये हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च कटी है मैंने छोटी छोटी, तो हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। लहसुन को मैंने भून लिया है, लहसुन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। ये 2 मीडियम आकार के प्याज काटे हैं मैंने छोटे छोटे। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक हमने मटर में भी डाला है, तो हल्दी भी वहाँ पर डाली है, तो यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून हल्दी का डालूँगी, और आधा चम्मच से लाल मिर्च डालूँगी, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालूँगी। मसालों को मैंने कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हैं छोटे छोटे। टमाटर को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मटर को हमने 4-5 मिनट मीडियम आंच पर पका लिया है। अब कुकर ठंडा हो गया है और मैं कुकर को खोलूंगी। ये मटर हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें से तेज पत्ता निकाल लेंगे बाहर। मटर को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। टमाटर को हमने घी छोड़ने तक पका लिया है। मसाला हमारा अच्छी तरह से बन गया है। अब मैं इसमें जो हमारे मटर हैं वो डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी, और ग्रेवी आप अपनी मर्जी अनुसार पतली या गाढ़ी रख सकते हो। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। उधर हमारी दाल पक रही है, इधर मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। 1 चम्मच देसी घी का डालूंगी। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरे का डालूंगी, आधा टीस्पून हींग का डालूंगी। गैस को कम कर देते हैं, और ये 2 साबुत लाल मिर्च, आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पहले डाला था, आधा मैं अब डाल रही हूँ। गैस को बंद कर देंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाले का डाल रही हूँ। गैस को बंद कर देते हैं, लास्ट में ये तड़का डाल दूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट मटर की दाल बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।